आपको मिल जाएगी ये आप यहाँ पे 210 रुपए। 3T की आपने जो रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर, डोर के अंदर अपने जो है वो कंपोनेंट स्पीकर का जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो क्रोम इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। फॉग लाइट पे गार्निश लगा दी, हेडलाइट में 250 वॉट की LED लगा दी। अगर गाड़ी हम कर देते लॉक, फोल्ड हो गया, कर देते अनलॉक तो हमारा अनफोल्ड हो गया। जैसे मारुति के अलॉय व्हील्स लगाए हैं, 28,000 कीमत है इसकी विद इंस्टॉलेशन, और रिम कस्टमर को वापस कर दिए हैं कि स्मोक जो इसके टेलर डिजाइन आता है। प्रॉपर आप यहाँ पे देख लो तो ब्रेजा की आपको जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। 3 की 10 पीस वाली एम्बियंस लाइट भी वर्किंग हुई है भैया। 4 दरवाजे, 2 डैशबोर्ड, 4 बूट सेम जो है वो रहने वाला है यहाँ पे। और वगैरह कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। चीज़ आपको चीज़ें सारी कुछ यहाँ पे मिल गई हैं? हाँ, सब कुछ मिल गया। फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसा रहा? फिनिशिंग फिटमेंट कंपनी से भी बेटर रहा। जैसा वीडियो में था सेम वैसा ही मिला, अच्छा ही मिला। मतलब प्राइसिंग का पूछना चाहूंगा सर, जो प्राइसिंग मैंने वीडियो में बताई आपने देखी वही प्राइसिंग यहाँ पे है या फिर वही सेम प्राइसिंग? सेम प्राइसिंग है, कोई चीज़ ऐसा तो नहीं किसी में हिडन कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी तिवारी कार एक्सेसरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। तो अगेन मिलते हैं बिट्टू भाई से। बिट्टू भाई आज क्या दिखाने वाले हो अपने को? भैया आज हमारे पास बेस मॉडल रहने वाला है ब्रेजा का। कहाँ से आई गाड़ी? फरुखाबाद, UP 76 नंबर रहने वाला है। UP 76 नंबर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और सबसे पहले बजट बताइए आपके क्या रहने वाला है बजट? 20-25 के आसपास का बजट जाएगा टोटल, मतलब फुल बेस टू टॉप काम आज के इस वीडियो के अंदर। एवरीथिंग इंक्लूड्स है, अलॉय व्हील्स, हेडलाइट में LED, नीचे LED, फॉरवर्ड गार्निश, आपका ग्रिल गार्निश, जो लग सकता है गाड़ी के अंदर, ORVM, रूफ रैप, सब काम जो है आपको देखने वाला है। तो यहाँ पे आप गाड़ी देखोगे तो गाड़ी के अंदर काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो करके बताइए क्या क्या चीज़ें लग रही हैं और क्या क्या चीज़ लग चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि जितनी भी जर्मन एक्सेसरीज हैं उसकी MRP के ऊपर 20% आपको ऑफ मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है, जैसे जो एसेसरीज आते हैं जैसे कि क्रोम की ये एसेसरीज आ गई, ये क्रोम आ गई तो इस पे ऑफ है। हाँ, स्पेयर पार्ट पे जो चीज हम बताते हैं वो तो पहले से लेस होता है ऑलरेडी, तो उसमें कोई आर्मरेस्ट वगैरह इसकी फिक्स प्राइसेस हो गए, स्टीयरिंग हो गया, इंटीरियर किट हो गया, ये सब पहले से मिनिमम रहता है। तो अब बताइए कि अपना ये हो गया पहली बात, गार्निश लग चुकी है यहाँ पे, गार्निश लग चुकी है, फॉरवर्ड लग चुका है, फॉरवर्ड में LED लग चुकी है भैया। कितने वॉट है ये? 60 वॉट की LED से, 60 वॉट की, ठीक है। हेडलाइट में 250 वॉट की जिमर की LED लग चुकी है जिसकी 18 महीने की गारंटी होती है, जो कि हम लगातार दिखा रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल ठीक है। फ्रंट में ग्रिल गार्निश भी लगेगी, जेन्युइन मारुति का पार्ट रहेगा वो भी, ठीक है। ठीक है भैया, साथ में चलेंगे इंटीरियर किट पे काम हो रहा है इसके, डैशबोर्ड किट ओरिजिनल वाले पे काम हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। याद हो गया सबकी MRP आपको मिल जाएगी ये आप यहाँ पे 210 रुपए, मतलब मिला जुला के सारा कुछ 2800 रुपए जो है वो लग जाता है अपना। ORVM भैया का चेंज हो चुका है, ये अपने फोल्डिंग वाले मिरर आपने फोल्डिंग लगा लग चुके हैं। बिल्कुल, तो नॉर्मल इसमें आता है, हम इसमें फोल्डिंग लगा चुके हैं और एडजस्टिंग भी अंदर से, वो तो था ही पहले से, और की के साथ जो सिंक करेगा प्रॉपर। साथ में रूफ पूरी ब्लैक हो चुकी है आप देख लो। इसके अलावा दोस्तों साइड प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो व्हील्स के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है। स्टील लिम्स आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर, उसको रिप्लेस करके एलॉय व्हील्स का जो फिटमेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जा चुका है। दोनों साइडें जो है वो आप चेक कर लीजिए, दोनों ही व्हील्स यहाँ पे रिमूव किए जा चुके हैं। अभी गाड़ी में एलॉय लगता है वो भी आपको दिखा दूंगा। गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हो रहा है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप इंटीरियर देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको कारपेट जो फिनिश है वो मिलती है, इसके ऊपर अपनी डाई वाली जो फ्लोरिंग है उसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, प्रॉपर फिटमेंट जो है इसकी आ जाएगी, लग जाती है वो आपको चेक करवाते हैं। स्पीकर्स वगैरह का काम जो है वो गाड़ी के अंदर कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फिनिटी के अपने जो रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर्स, और फ्रंट डोर के अंदर आपको दिखा देता हूँ तो फ्रंट डोर के अंदर अपने जो है वो कंपोनेंट स्पीकर का जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे भी आपको पता होगा कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है, तो म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो रहने वाला है, भी आपको बताते हैं क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह रहने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे डैशबोर्ड के ऊपर किट का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है, डोर्स पे लगेगी, और इसी के साथ साथ अपनी जो एम्बिएंट लाइट है उसका जो फिटमेंट है वो भी रहने वाला है, अभी वो आपको वो भी चेकआउट करा दें। बाकी दोस्तों दूसरी साइड आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे अभी अलॉयस में काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, और लेकिन कुछ चीज़ें जो है इंटीरियर में अपडेट करी जा चुकी हैं, जैसे कि अपना जो स्टीयरिंग व्हील है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज किया जा चुका है, हब वगैरह के साथ इसकी फिटमेंट जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे तो डोर हैंडल जो इनसाइड वाले आते हैं वो आपको ब्लैक लगे मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको जो क्रोम इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे एम्बिएंट लाइट की बात करें तो एम्बिएंट लाइट का जो वायरिंग वगैरह है उसका काम कम्प्लीट हो चुका है, 10 पीस वाली अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको इस वाली कागज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लोरिंग का काम जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कम्प्लीट किया जा चुका है, ये पोर्शन कम्प्लीट लग चुका है और ये पीछे तक रहने वाला है, और यहाँ पर भी इसको जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हो बटन के थ्रू जो है कम्प्लीटली यहाँ पे इसको रोका जा चुका है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हिलने डुलने पर ये फ्लोरिंग जो है वो बाहर की तरफ नहीं आएगी। इसके अलावा अपना जेन्युइन आर्मरेस्ट जो है उसका फिटमेंट कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पे फ्रंट में आप देखोगे तो फ्रंट USB लग चुकी है, रियर USB जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब गाड़ी का काम जो है कंप्लीट होने देते हैं, एक बार फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें जो है इस वाले कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी ब्रेजा जो है वो रेडी हो चुकी है, तो बिट्टू भाई क्या क्या लगा दिया इस वाली कार के अंदर आपने? देखो भैया मिंडा का फॉग लाइट रहने वाला है, ठीक है, मिंडा के अंदर LED लगा दी हमने, व्हाइट लाइट, फॉग लाइट पे गार्निश लगा दी, कंप्लीट हो गया सर। हेडलाइट में 250 वॉट की LED लगा दी, और हेडलाइट की जो LED का सेटअप आप यहाँ पे देख रहे हो कितना जबरदस्त आपको फोकस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इवन हमने नाइट टाइम में भी टेस्ट करवा रखा है, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स जो है वो आता है इसका। बिल्कुल भैया,
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। वारंटी इसकी 18 महीने, इसकी वारंटी एक साल की रहने वाली है। साथ में भैया ने फ्लैशर लाइट लगवाई है, पुलिस लाइट, चार पीसेस वाली। ठीक है, ये तो खैर रिकमेंडेड नहीं होता, रिकमेंड नहीं है, लेकिन फिर भी लगवाई है, लगवा सकते हैं। साथ में भी व्हील आर्च स्लाइडिंग लगाई है, जनरल मारुति का पार्ट है, और ये सिल्वर वाली है, ब्लैक वाली भी किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। वो सस्ती है, 1900 नंबर पे एमआरपी है उसकी। और ये 2380 नंबर पे एमआरपी है। ठीक है, ठीक है भैया। टॉप मॉडल ORVMs, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर गाड़ी हम कर देते लॉक, फोल्ड हो गया, अगर गाड़ी कर देते अनलॉक तो हमारा अनफोल्ड हो गया। प्रॉपर की के साथ, प्रॉपर की के साथ। साथ में इसके अंदर स्विच भी चेंज कर दिया है, तो ये आप स्विच देख लीजिए, ये वाला स्विच आता है, ये वाला स्विच ऐड किया गया है ना। हाँ, ये पूरा स्विच निकल के चेंज हो जाता है, पूरी असेंबली चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ठीक है, अपना बटन के साथ भी वर्क करेगा। यहाँ पे अनफोल्ड हो गया, ये अपना फोल्ड हो गया। इसी तरीके से एडजस्टमेंट तो खैर इसके अंदर आती है, आपको मिलती है, वो तो एडजस्ट होगा ही होगा, बिल्कुल, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है भैया, साइड प्रोफाइल में चलते हैं। रेन वाइजर वर्किंग है, जेन्युइन मारुति का पार्ट रहेगा, विद क्रोम लाइन वाला, विद क्रोम माउंटेन। ठीक है, साइड बिल्डिंग पे वर्किंग हुई है जेन्युइन। ये आप देख लीजिए क्या क्या एमआरपी रहती है इसकी। इसकी 2250 रुपए के आसपास, इसकी 2290 रुपए के आसपास, राउंड अबाउट बता रहा हूँ। फुटरेस्ट तो भैया का पहले से लगा हुआ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। जेन्युइन मारुति के अलॉय व्हील्स लगाए हैं, 28,000 रुपये कीमत है इसकी विद इंस्टॉलेशन, और रिम कस्टमर को वापस कर दिए हैं, मतलब वही 27 वही 27 पड़ गया बेसिकली। साथ में आपने देख ही लिया है, लोअर विंडो फ्रेम किट भैया ने लगवाया हुआ था, अगर किसी लगवाना मिल जाएगा। 2300 नंबर पे इसकी एमआरपी रहेगी। ये पहले से लगी हुई थी, लगी हुई थी। हाँ ठीक है भैया, बैक प्रोफाइल में जाएंगे तो बैक प्रोफाइल रियर गार्ड में वर्किंग हुई है, रिफ्लेक्टर्स पे वर्किंग हुई है, ये स्मोक वाले लगाए हैं जो कि स्मोक जो इसके टेलर डिजाइन आता है। तो ये प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठा होगा, ये कौन सा? हाँ ये प्रॉपर बैठा हुआ भैया। ठीक है, ये दूसरे वाला जो रियर गार्ड आता है स्टील, वो मोटे गोल वाला, उसकी कंपैरिजन में कम सेफ्टी करता है, लेकिन ये लुक वाइज थोड़ा ज्यादा स्मूथ लगता है दूसरों को, कस्टमर्स को, मतलब हल्के फुल्के जो जिसका काम है उसके तो ये संभाल ही लेगा, संभाल लेगा बिल्कुल। साथ में रूफ ब्लैक होता है पूरा का पूरा, आप देखोगे तो, जो कि एवरी टेंशन की टेप लगाई गई है, और ये ऐसी टेप है कि अगर आपको 2 साल बाद इसे उखाड़ना हो कोई दिक्कत तो दिक्कत नहीं आती, आराम से उखड़ जाती है टेप अपनी, जो है पेंट नहीं उखाड़ती, पेंट नहीं उखाड़ती बिल्कुल। ये लगा हुआ है कुछ, ये भैया स्पॉइलर वो है, बैक अंडर स्पॉइलर वाला वो रहता है, ये कंपनी से मैंने लगवाया था, इसमें हमारा कोई यूज नहीं है। ठीक है, ये अगर किसी भाई को चाहिए तो मिल जाएगा अपने पास भी, मिल जाएगा। हाँ, साथ में रूफ रेल्स पे वर्किंग हुई थी, तो ये तो आफ्टर मार्केट रहती है, आफ्टर मार्केट भी सिलिकॉन पेस्टिंग रहने वाला दिया। ठीक ठीक, तो बाकी आउटसाइड से तो ये काम होता है, जेन्युइन मारुति के ज़्यादा पार्ट्स लगे हैं बाहर, आप देखोगे तो डोर वाइजर, साइड बिडिंग, व्हील आर्च स्लाइडिंग, आगे फॉग लाइट गार्निश, फॉग लाइट LED, ORVM, तो बाहर ज़्यादातर मोस्टली जेन्युइन पार्ट्स ही काम हुआ है। आफ्टर मार्केट के नाम पे LED और पीछे का जो अपना गार्ड है वो लगा है, और रिफ्लेक्टर लगा है, और अलॉय भी ओरिजिनल रहने वाले हैं। ये आप अलॉय चेक कर लीजिए कैसा कुछ लोग ऑफर कर रहे हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ओरिजिनल मारुति का ये वेलकम प्लेट लगाया भी आज, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रॉपर आप यहाँ पर देख लो तो ब्रेजा की आपको जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी, और माउंटेन का साइन आपको मिल जाता है। आफ्टर मार्केट जो आता है वो यहाँ लगता है, ओरिजिनल लगता है, यहाँ पर पक्का चेंज आता है बिल्कुल भैया। इसके अलावा साथ में भैया डैशबोर्ड किट पार्ट हुआ है, 7 पीस का पार्ट, चार दरवाजे, 2 डैशबोर्ड और एक नागिन वाला पीस, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग 2800 रुपये आती है, किसी को पेंटेड पार्ट चाहिए तो पेंटेड वाले 5500 रुपये का जाता है, लेकिन पेंटेड की लाइफ का आता पता नहीं है, ड्यूरेबिलिटी का क्या है वो नहीं पता, सीधी बात है। बाद में इनर हैंडल्स पे वर्किंग हुई थी, जो कि कॉस्टिंग 900 रुपये रहती है, चारों पार्ट चेंज हो चुके हैं। ORVM तो मैं आप दिखा ही चुका हूँ। ठीक है भैया, स्पीकर्स कौन से लगे थे इसमें? स्पीकर भी है ना, हरमन के लगवाए हैं, आगे कॉम्प्लेन पीछे को एक्सेल। ठीक है, वेलकम प्लेट आप देख सकते हो, डैम्पिंग यूज नहीं है, K3 की 10 पीस वाली एम्बियंस लाइट वर्किंग हुई है भैया। चार दरवाजे, 2 डैशबोर्ड, 4 बूट्स, सेम जो है वो रहने वाला है यहाँ पे, और प्रीवियस वीडियोस में कई सारे हम दिखा भी चुके हैं, और कलर भी अगर आपने चेंज करना है तो अलग अलग कलर्स का जो है इसको आप लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको जो इंप्रेशन है वो देखने को मिल जाने वाला है। हमारे एक तो आमरेस पे रहने वाला है, रियर USB, फ्रंट USB दोनों लगाए, जो मारुति का पार्ट है ये अपना फ्रंट वाला है, और रियर वाला भी जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रियर वाला फास्ट होता है, फ्रंट वाला जो है नॉर्मल रहता है, नॉर्मल होता है बिल्कुल। साथ में भैया हमने 432 का एंड्रॉइड लगाया भैया की गाड़ी में, मैंने रिवर्स कैमरा लगाया विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो रहेगा, 1 साल की रिप्लेसमेंट काउंटर पीस रिप्लेसमेंट रहेगी, और टच का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही कनेक्ट रहेगा, तो जेड लिंक के थ्रू आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है ये आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको मार्किंग भी मिल जाती है। रियर व्यू जो कैमरा है वो इंस्टॉल किया गया है, और कैमरा किया गया, मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, प्लेसमेंट OEM वाली है। हाँ, ये इसलिए आपको कहना चाहिए कि OEM कैमरा होता है ये, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा कैमरा की प्लेसमेंट। तो ये आप डिग्गी खुल गई तो ऊपर चला गया, वो डिग्गी के साथ रहने वाला जी है, और टच का रिस्पॉन्स वगैरह आपको दिखा दिया है, कैमरा दिखा दिया है, फ्रेम आप देख लीजिए ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ रहेगा, और यहाँ पे आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। साथ में जो गाड़ी में काम हमारे स्टीयरिंग पे रहने वाला है, स्टीयरिंग कंप्लीट जो है चेंज हो चुका है, लगा के दिया 3500 रुपए का,
विद हब लगाया है ना? विद हब लगाया है, ठीक है, विद हब जरूरी है। स्टीयरिंग कोई बोले सस्ता लगा रहा है उसे पूछ लेना हब के साथ है या विदाउट हब है, क्योंकि यहीं पे गेम हो रहा है सारा। आप खाली हब स्टीयरिंग लेके चले जाओ 3500 रुपए का, और बाद में आपके लिए दोबारा से आप 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। फिर यही सारा बाकी फ्लोरिंग भी है क्रोकोडाइल वाली हमारी, तो ये अपनी फ्लोरिंग चेक कर लीजिए, पूरा फ्लोर के ऊपर रहने वाली है, उसके ऊपर एक ग्रास वाले मैट जो है वो लगाए गए हैं। को ड्राइवर साइड में कैसी कुछ फिटमेंट है वो आप चेक कर लीजिए, और एम्बिएंट लाइट के साथ काफी अच्छा जो आपको लुक है वो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, मतलब नाइट टाइम में चलाने में मजा आ जाने वाला जी भैया। बाकी सीट को अपना रहेगा भैया हैंड टू हैंड कस्टमाइज हुआ है ब्लैक विद कॉफी रेड थ्रेडिंग के साथ, ये आप देख सकते हो सेंटर में अपना पर्फी डिजाइन जो है वो मिल जा रहा है 3D पैटर्न के साथ। हाँ ये आपको एक्स्ट्रा जो थाई सपोर्ट है वो मिल रहा है, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो कंफर्ट जो है इससे आपको इनहेंस मिलने वाला है, रियर में अपना जो रियर हेडरेस्ट है वो लगा है, इसको भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कितने रुपए में लगाते हैं। 1200 रुपये 1200 रुपये कॉस्टिंग के साथ जो है कंप्लीट रहने वाला है। किसी भाई ने सीट चेंज करवानी है वो भी आप करवा सकते हो, वो तो है ही ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन अपने पास। बाकी जो कैमरे की प्लेसमेंट थी ना भैया वो यहाँ की गई है, आप देखोगे तो ये देखो कैमरा यहाँ पे पूरा कैमरे की प्लेसमेंट OEM टाइप, ठीक है। तो ये रहने वाला है, तो ये मतलब इसकी स्लॉट ही वहीं पे आता है, स्लॉट ही वहीं पे आता है बिल्कुल। ये सारा काम होता है भैया की गाड़ी में, बाकी भैया का फीडबैक एक बार फीडबैक ले। तो मिलते हैं भाई से, सबसे पहले भाई नाम बताइए अपना। नाम शैलेश यादव है। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? कानपुर यूपी से। कानपुर यूपी से, मतलब यहाँ के बारे में बात की है, यूपी 76 नंबर ना। तो ये आपको यहाँ के बारे में कैसे बदला, ये तो दिल्ली तो बड़ी दूर हो जाती है फिर तो। यूट्यूब पे वीडियो देखे थे भैया के दुकान के, आप लोग बनाते थे भाई वहाँ पर भी, तो शॉप वगैरह होंगी वहाँ पे, मतलब काम में ये फिनिशिंग नहीं आती है। और रेट वगैरह भी ट्राई किए थे वहाँ पे? रेट मतलब पार्ट में तो पता ही नहीं करा हम लोगों ने, मतलब करवाना ही नहीं था यहीं पे दिल्ली आके करवाना था काम अपने को। तो जो चीज़ चाहिए थी आपको, क्योंकि आप इतना दूर से आप आए हो, प्लान करके आए हो कि काफ़ी चीज़ें आपको लगानी थी, आपने बजट भी काफ़ी अच्छा रखा है इस वाली गाड़ी के अंदर, जो चीज़ें आपको चाहिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई हैं। हाँ सब कुछ मिल गया। फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसा रहा? फिनिशिंग फिटमेंट कंपनी से भी बेटर था, कंपनी से भी बेटर था, बेटर मतलब जो वीडियोज़ में दिखाया वो चीज़ आपको यहाँ पे आके मिली है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि वीडियो में कुछ और दिखाते हैं? और जैसा वीडियो में था सेम वैसा ही मिला, सेम वैसे अच्छा ही मिला। मतलब प्राइसिंग का पूछना चाहूंगा सर, जो प्राइसिंग मैंने वीडियो में बताई आपने देखी, वही प्राइसिंग यहाँ पे है या फिर? वही सेम प्राइसिंग, सेम प्राइसिंग है। कोई चीज़ ऐसे तो नहीं किसी में हिडन कुछ कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। और जो अपना ये क्या कहते हैं इसको, आपने प्रोडक्ट चेक किए सारे ओरिजिनल थे जो कि ओरिजिनल लगाए गए हैं? सब ओरिजिनल में मारुति सुजुकी के जनवन सारे जनवन रहते हैं। एक नंबर पूछूं 10 मिनट कितने नंबर देना चाहोगे आप सारे काम को लेकर के? 10 पूरे नंबर, पूरे नंबर। और फरुखाबाद से बेसिकली आप आ रहे हो या कानपुर से आप आ रहे हो? तो वहाँ से यहाँ पर आना जो आपने फैसला किया वो वर्थ है कि मतलब मैं सही आ गया हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने यार क्यों आ गया यहाँ पे? ऐसा पूरा वर्थ है और मतलब अच्छा लगा, अच्छा लगा। कल को किसी को रिकमेंड करना हो, रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ रिकमेंड करेंगे। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, और आप वीडियो देख करके आए उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।